नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम उषा देवी है, उषा नमस्ते चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सुबह से कब से बना रही है? अब हर घंटा भूल बैठे हैं, खाना वाना बनावत रहे, बनाए नहीं तब बैठे हैं। तो दीदी, एक बार अपना नाम बता दें। हमारा नाम दुर्गावती है। तो दोस्तों, एक बार मैं इनका वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा होगा दोस्तों, तो देख सकते हैं, उसमें है। और इनके मतलब दुर्गा देवी इनका नाम है। इनके पति ख़त्म हो चुके हैं, आज 5 साल हो गया। और इनके 4 बेटी हैं और 1 बेटा है। तो दोस्तों, यही काती खोलती हैं, यही इनका मतलब है, मतलब जहाँ से मतलब पैसा आता है, बस ये 25 रुपये दिन का कमाती ही है। और दीदी, हाल चाल सही है? सब सही है, बैठे दीदी, पानी मंगाओ था जो पी ले, तब बातचीत हो। और लड़का बच्चा सब ठीक है? सब सही है। अरे पानी रहा है दें ना, अरे तो दोस्तों पानी मंगा रहे हैं, तो पी लेती हूं। फिर बातचीत हो। और दीदी, सब लड़कन घरों ही हैं? बुलाओ देखी। तो यार भगवान जाते नथपुर। हाँ, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम है, मैं आप लोगों के बच्चों से भी मिलवा देती हूँ। तो आइए बेटा, ये देखिए इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है। तो सभी लोग तैयार हुए हैं, सुबह का समय है। आओ बेटा, इनके स्कूल में यही ड्रेस लगता है? हाँ, मुझे मालूम नहीं था इसका इनका ड्रेस, और कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाए। मोबाइल आपका नंबर आपके पास था नहीं? मोबाइल वोबाइल नहीं है दीदी हमारे पास। तब और दीदी, जो खर्चा वर्चा कैसे चला? कैसे चलता दीदी, जो आप पैसा दिए रहे तो साग सब्जी लिए रहे, दवाई थवाई लिए रहे, जान तो कई दिन चल रही थी। हाँ, परिवार आपका लंबा बा, थोड़ा सा बच्चे लोग हैं, खर्चा बा। पानी पी लेती दीदी। पैसा मत ना है। लौटा लो, अरे ले ले ले, मम्मी से 1 रुपये लिए क्या करोगे? तो तू प्रतिमा का ले वो अपने को, तू अपने कल। अच्छा, तो दोस्तों इनके परिवार के लिए मैं कपड़े लाई हूँ। तो मैं पहले मैं बच्चों लोग को दे देती हूँ, बच्चे लोग यही देख रहे हैं। खड़ा बेटा, खड़ा आपके लिए। अच्छा बा, ऐसा दीदी के ध्यान नहीं दे रहा जितना तू ध्यान देते हो मेरे बच्चन के जो है। अरे दीदी, हाथ में जोड़ा, ये सब भगवान का सब बा है। खरीद नहीं था कि जान लई गदीलन के कपड़ा ही थे, फटा पुरान पहन पहन अपन बितावत रहा था। आपके लिए भगवान भेजे, भगवान का शुक्रिया अदा कर, भगवान का पूजा करी थे शंकर जी का दीदी। हाँ, तो नहीं के मनावत रही हाथ जोड़ के। हाँ, तो नहीं भेजे हैं। ठीक बा, हाँ खड़ा हो, पहले खड़ा दी आपके लिए सर। राखी बांधने आए थे मम्मी के, इसलिए मैंने सोचा कि आप जाने वाली हैं ससुराल, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए दोस्तों, मैं इनके लिए कपड़ा नहीं लाई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इनके लिए ड्रेस लूँ, और मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन सा ड्रेस इस स्कूल में चलता है। तो मैं इनको पैसा दे रही हूँ, मैं अपने ले लेंगी। ले लोगे बेटा ना, ये 500 रुपये है, अपने लिए ड्रेस लेना, हो जाएगा 500 रुपये में ना। तो ये दोस्तों देखिए, मैं उनके लिए साइकिल लाई हूँ, और ये 2 बोरी मैंने चावल लिया है। और दीदी खुश हो ना, इतना सारा सामान लाए हैं। इतना क्यों मदद नहीं की रहा जितना आप कर रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, दाल है। तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा दाल पसंद करते हैं, दाल खाना बहुत ज़रूरी भी होता है, तो इसलिए मैंने दाल थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। ये आलू प्याज है। तो ये दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको, ये गेहूँ है, गेहूँ मैंने मार्केट से नहीं लिया है, गांव से लिया है।
50 किलो है ये गेहूँ और ये सरसों का तेल और ये रिफाइन। तो दीदी के पास तेल भी नहीं रहता, दीदी बता रही थी। नहीं, तो दोस्तों खाने पीने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने खाने पीने का ज़्यादा तक व्यवस्था किया है और एक साइकिल भी ले लिया है, क्योंकि इन लोगों का टाइम भी बचेगा और जो भी लेना चाहे ले। क्योंकि दीदी बता रही थी, मैं उस बार आई थी बता रही थी कि मैं मेरी बेटी बीमार थी, मैं बहुत मतलब 6 किलोमीटर पैदल गई थी दवा लेने। तो अब ये इनकी बेटी ये सीखी है साइकिल। कैसे सीखी थी बेटा? हाँ, तो गाँव में सखी सहेली से मांग कर सीखी हैं, तो उसमें बैठा के मम्मी के पास ले जाएंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो कभी। और बेटा पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? तो आपके गांव में गणेश जी की मूर्ति रखा ना, वहाँ पर आप लोग जाते रहे पूजा करें? बनाए हैं गणेश जी हाथ से? जाओ लाओ तो देखे। ये तो बहुत सुंदर वह है। तो दोस्तों आप लोग पास से पहले देख लीजिए कितना सुंदर गणेश जी अपने हाथ से बनाए, हाथ से बनाए ना बेटा आपने? हाँ, तो देखिए कितना सुंदर बनाई है, देखिए पीछे बाल भी लगाए हैं। तो दीदी इतना सारा सामान आपके लिए लिया है, तो आपके कुछ अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा था दीदी, 10 रुपये दाल लिया अपन परिवार खियाई, तो फिर समझाए फिर देखत रही तो कहीं जुगाड़ बैठे, फिर कहीं जुगाड़ बैठा है दाल लिया। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि मैं 10 रुपये का दाल ले रही हूँ और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी जो इनके घर दाल बनी है, क्योंकि अब मैं आई थी तो इनका बेटा बेटी जो है खा रही थी, तो मैंने देखा उसमें बहुत कम दाल पड़ी है। तो 10 रुपये का दाल कितना होगा दोस्तों? ये देखिए 5-6 लोग का बना है। तो दोस्तों मैं उन भाइयों का सारे लोगों का जिन लोगों ने इनके परिवार के लिए हेल्प किया है, मैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और दोस्तों पैसा छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे 1 रुपये हो चाहे जितना पैसा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। तो मैं उन लोगों का नाम लेना चाहती हूँ। तो 2000 रुपये साहिर भाई ने दिया है, उनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और पूनम यादव 2000 रुपये और 10000 रुपये नितिन मिश्रा, उनकी मम्मी रीता मिश्रा, और 1000 रुपये विवेक मिश्रा, 1000 रुपये जे पी रावत, 1500 ज्योति मिश्रा। तो हरबेन भैया ने मुझे 11000 रुपये दिया है और इनके मम्मी के लिए देने के लिए। तो मैं सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे मैं कहा और इन लोगों का परिवार को देखकर आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो दोस्तों जितना भी पैसा हमारे पास आया था, जिन जिन भाइयों ने दिया था, सब मैंने सारा इकट्ठा किया था, तो 28,500 रुपये पूरा टोटल मुझे हुआ था। तो दोस्तों हमारे पास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आया है। तो दोस्तों कम बेसिस कुछ नहीं होता है, पैसा मतलब दिल बड़ा होना चाहिए। तो किसी भाई ने मुझे इनके घर के लिए 1 रुपये दिया है, तो अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों कि मतलब 1-1 रुपये से बहुत ज़्यादा पैसा एक दिन हो जाता है। तो उनका दिल बहुत बड़ा है कि उन्होंने इतना सोचा। और भाई ने मुझे 25 रुपये दिया है। तो दोस्तों इनके आप लोग सोचिए कि एक दिन सारा दिन मेहनत करती हैं तब जाके 25 रुपये होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जो उनके एक दिन के लिए, एक दिन मतलब ये अपने परिवार में रहेंगी, काम नहीं करना पड़ेगा। तो और मैंने ये 15000 रुपये मैंने चाहती, मैं थोड़ा दोस्तों मैं इनके बच्चे के लिए और सब सामान ले लेती, पर इनकी माँ है वो अपने बेटे के लिए बेटी के लिए अपने हिसाब से ले लेंगी जो उनको लेना है। तो दीदी ये 15000 रुपये आपके लिए। तो पैसा आप क्यों नहीं दे रहा जन भाई? बहुत मदद करते जी जी दी हो कि बहुत धन्यवाद देते दीदी जन भाई, हाथ जोड़ते हैं जन भाई। तो दोस्तों आप लोगों ने तो जाना है कि ये 25 रुपये में सारा दिन काम करती हैं, तो ये 15000 रुपये है। तो 15000 दोस्तों कम से कम 1.5 साल 1 साल 10 महीने काम करेंगी तब जाके इतना पैसा होगा। तो दोस्तों इतना मतलब इतना दिन आप आराम कर सकती हैं और तो कोई भी दूसरा भी काम कर सकती हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि इनको थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा और दूसरा भी सोचने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद दीदी जौन भाई, इतना मदद करे हैं, जित आप उषा आए हैं हमारे घर में, बहुत माने
लड़कन के लिए बच्चन के लिए बहुत आज़ाद के दिन है जौन बखी तीन कायदे से जौन बा बहुत तकलीफ में रहत रहे जौन दीदी मत रोए दीदी आपके अपने आप से क्यों ना कर दे इतना तकलीफ मत उठा करा करे रोवा मत कहें दीदी अपने आप से तो आपके दूध दुख भवान आ गया है की मदद किए सबके धन्यवाद देते हैं दीदी जौन बाई मजे में रहे सबके लड़का बच्चा जौन बाई हमारे अपने लड़कन पे ध्यान देते हैं आप लोग सब देते हैं बेटा आप लोग रोइएगा मत तो उनकी मम्मी रोने लगती है तो दोस्तों बच्चे लोग रोने लगते हैं तो बेटा आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ना कोई परेशानी हो तो बताना मुझे ठीक है तो दोस्तों हमारे जो मैंने वीडियो इनका बनाया था तो बहुत भाई लोग इनका जो है खाता नंबर मांग रहे थे तो मैं अपने वीडियो के इस वीडियो के नीचे इनका खाता नंबर IFSC कोड दोनों दे दूँगी तो वहाँ से आप लोग इनको मदद कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप लोग ज़्यादा पैसा दें जिसके पास जितना है उतना दे सकता है तो एक एक रुपये अगर देंगे दोस्तों आप लोग तो एक दिन उनका बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा जितना आप लोग कहें उतना दे सकते हैं तो दोस्तों जो एक रुपये है ये मैं इसकी कीमत समझती हूँ दोस्तों क्योंकि मैं अपने लाइफ में एक बार मैं मार्केट में एक रुपये मांगने निकलनी थी ऐसा नहीं कि दोस्तों मैं भीख मांगने निकली थी मैं मुझे ज़रूरत था उसमें मेरे पास एक पैसा नहीं था और मैं मार्केट में मांगी थी ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो दोस्तों पेट्रियन के जरिए आप लोग मदद कर सकते हैं तो जैसे आप लोग कहेंगे मैं